व्यूअर्स, कैसी हैं आप? आप देख रही हैं मुदस्सर अमीन चैनल। आज हम आपको पैंचे का बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। उसके लिए मैंने ये बुकरम ली है। बुकरम को इधर से मैंने 4 इंच रखा है और इधर से 9 इंच है। अब हम इस बुकरम को इसरी की मदद से पैंचे पर सेट कर लेंगे। बुकरम हम इधर रखेंगे, इतना कपड़ा हम रखेंगे कि इसको ऐसे फोल्ड कर सकें। अब हम इसको इसरी की मदद से लगाने लगे हैं। ये रेशमी नलकी है, हम इसको फिरकी में डाल लेंगे नीचे वाली साइड पर। अब हम इस पर तिरछे निशान लगा लेंगे इतने फ़र्क से। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह के निशान लगा लेंगे। अब हम इसने इस पर निशान लगा लिए हैं। अब इसको मशीन के नीचे रखेंगे। हाँ तो व्यूअर्स, ऐसे ही हम सब सिलाइयाँ लगा लेंगी। हमने अब निशान लगा लिए हैं। अब ये जो कपड़ा छोड़ा था उसे ऐसे ऐसे करके अब इधर सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर ये लैस है ये अटैच करेंगे। अब हम जो रेशमी नलकी ली थी उसी की मदद से छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। ये 5 हमने चैन की हैं और इसे ऐसे करेंगे। ये बन चुकी है। अब हम इसको इधर से इतना सा लेंगे। ये एक पांचे पे तकरीबन 30 पत्तियां लगेंगी। पत्ती को पकड़कर इसको सुई में, अब हम ऐसे रख के और छोटे छोटे टांकों की मदद से इसे अटैच कर देंगे। अब ये अटैच होगी और अब हम इसमें स्किन मोती सुई में डालेंगे और ऐसे इसे अटैच कर देंगे। अब ये देख सकती हैं आप, सब पत्तियां अटैच हो चुकी हैं। अब हमने पैंचे की जो रखनी है फिटिंग, वो अपने हिसाब के मुताबिक रखनी है। अब मैं इसे पैंचे को सिलाई करूँगी। प्लीज़, अगर आप को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये लें, अब ये हमारी पैंचा शलवार मुकम्मल हो चुकी है। आप देख सकती हैं कितनी फिनिश और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।